गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, आपके जेडी के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ चुके थे। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और जितना आपके बता रखा है उससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है उस हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इंग्लिश में सीखने की कोई लिमिट नहीं है, भाषा में सीखने का कोई लिमिट नहीं है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नॉलेज की कोई उम्र सीमा नहीं होती, मगर हमको सिलेबस का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए जो बता रखा है उसको हम ज़्यादा अच्छे से सीखें तो हमारे और भी जितने भी अदर टॉपिक्स हैं उनको कवर करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्लाइंब अप, कहने का अर्थ ये है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे तो हम इसका एक विस्तार से बना देंगे, लेकिन वो ये है, इसको आपको एक बुक्स में से याद करना होगा, उसके एग्जांपल्स वगैरह। ऊपर चढ़ना, क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। जैसे ए मंकी सा द मंकी कैचर, बंदर पकड़ने वाले ने मंदन ने बंदर पकड़ने वाले को देख लिया, है ना, तो वो द मंकी एंड क्लाइंबड अप द ट्री। कहाँ पर चढ़ गया? ट्री के ऊपर चढ़ गया। फिर दूसरा, क्रूल टू सी आर यू ई एल टू, के प्रति निर्दयी होना, यानी इसमें क्या बता रखा है, क्रूल टू का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति निर्दयी होना। जैसे इन बिफोर फ्रीडम, स्वतंत्रता से पहले, द लैंडलॉर्ड, द लैंडलॉर्ड वर क्रूएल टू सी आर यू ई एल क्रूएल टू क्रॉपर्स, क्रूएल टू द क्रॉपर्स, कि जो स्वतंत्रता से पहले जो जमींदार थे वो किसानों के प्रति क्या थे, निर्दयी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लोज टू यानी स्थान के नज़दीक, स्थान के नज़दीक। जैसे माई स्कूल इज क्लोज टू मांडा गर्ल्स हॉस्टल, यानी मेरी जो स्कूल है वो मांडा गर्ल्स हॉस्टल के पास में है, ये सामने है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्लोज टू के बाद ड्यू टू इसका मतलब होता है के कारण। क्या होगा इसका मतलब? के कारण, कि रवि डज नॉट लाइक
कॉफी, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, यानी जो रवि है वो कॉफ़ी पसंद नहीं करता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, या नहीं लेता है, पसंद तो छोड़ो लेता नहीं है, डज नॉट, रवि डज नॉट टेक कॉफ़ी ड्यू टू हाई, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो गर्मी पैदा करती है, ठीक है, तो जिसका बीपी पहले से ही हाई हो उसको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, तो इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ड्यू टू के बाद आता है फेथफुल टू, फेथफुल टू, फेथफुल टू का मतलब क्या बताया गया है, व्यक्ति के प्रति वफादार, व्यक्ति के प्रति वफादार, व्यक्ति के प्रति वफादार, जैसे आर इंडियन आर्मी इज फेथफुल टू कंट्री, टू द कंट्री, हमारी भारतीय सेना देश के प्रति वफादार है। व्यक्ति के प्रति अगर इसको पर्सन के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो वर्कर्स जो कर्मचारी होते हैं शुड होने चाहिए, शुड बी फेथफुल टू ऑनर, टू द ऑनर, ठीक है। अब है फेथफुल फोर, किसी बात के प्रति, कोई बात है कोई मैटर उसके प्रति वफादार है, कि यहाँ पर आपने ये कहेंगे कि सर व्यक्ति के प्रति, भाई हमारी देश भारत हमारी माता है, ठीक है, देश को हम अपनी जननी मानते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, इसलिए टू लगा सकते हैं, और जैसे व्यक्ति के प्रति है तो लगेगा ही टू। फेथफुल फोर, किसी बात के लिए, ओल्ड फ्रीडम फाइटर्स वर फेथफुल फॉर दियर थ्योरीज, अपने सिद्धांतों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति वफादार थे, जो हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, फेमस फोर, फेमस फोर, फेमस फोर का किस लिए यूज होता है, किसी वजह से प्रसिद्ध
होना, किसी वजह से प्रसिद्ध होना। तो किस वजह से प्रसिद्ध होंगे? कोई 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 चीज़ है जो किस वजह से फेमस होती है, जैसे कश्मीर, ये जो फेमस फॉर एप्पल्स, यानी कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है? एप्पल्स के लिए, यानी सेबों के लिए। और राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स डिज़र्ट, यानी रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया आपके कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं, उसके बाद आता है आपके काइंड टू, यानी व्यक्ति के प्रति दयालु। ठीक है, व्यक्ति के प्रति दयालु। माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर इज काइंड टू मी इन ट्रबल, यानी मुसीबत में दयालु रहते हैं मेरे भाई मेरे प्रति। ठीक है, मेरे प्रति काइंड टू मी, मेरे लिए। उसी प्रकार ऑफिसर्स आर काइंड टू द सर्वेंट्स। मुश्किल है बट किसी व्यक्ति के प्रति दयालु होना। उसके बाद लाफ एट, मजाक बनाना है या किसी पर हंसना, किसी पर हंसना किस प्रकार से? जैसे आपने किसी से पूछा व्हाई आर यू लाफिंग एट माई फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्तों पर क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing at my friends? तुम मेरे दोस्तों पर क्यों हंस रहे हो? Look for का मतलब क्या होता है? Look for का मतलब किसी की तलाश करना, किसी की तलाश करना, किसी की तलाश करना किस प्रकार से? A troop of Indian Army, a troop of Indian Army is looking for terrorist, looking for two terrorists, यानी तलाश में थे, तलाश कर रहे हैं टू टेररिस्ट की। ठीक है, उसके बाद लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। ठीक है, कि वी शुड लुक आफ्टर आर यंगर्स, हमें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। तो ये हो गया आपके कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस।
आगे देखें, लुक आफ्टर के बाद हो गया मेड इन। तो आजकल आपको पता है मेड इन यानी किसी स्थान पर कोई चीज का बना होना, किसी वस्तु का स्थान पर बना होना या निर्मित होना। किस प्रकार से कि योवर कार के योर मोबाइल इज मेड इन चाइना, कि आपका जो मोबाइल है वो किसमें बना है, मेड इन चाइना में। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका द्वारा आपका जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना है, यानी निर्मित है, चाइना द्वारा निर्मित है। तो योर मोबाइल इज मेड इन चाइना कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो मेड इन यानी किसी वस्तु के किसी स्थान पर बना होना। मैरिड टू, मैरिड टू यानी किसी से विवाह करना। तो इसका मतलब शी इज मैरिड, शी इज मैरिड यानी उसकी शादी हुई है किससे, शी इज मैरिड टू मिस्टर कपिल गुप्ता, उसने उसकी शादी हुई है कपिल गुप्ता से, शी इज मैरिड टू कपिल गुप्ता। उसके बाद पुट आउट, पुट आउट यानी बुझा देना। अब देखिए इसकी थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती है, पुट पुट पुट, ठीक है, तो इसलिए पुट आउट यानी बुझा देना, कोई चेंज है कैसे भी यूज कर सकते हैं। द फायर वाज पुट आउट, बुझाई गई बाय सम नेबर्स। यानी आग किसके द्वारा बुझाई गई थी, कुछ पड़ोसी के द्वारा, पुट आउट बुझा देना। उसके बाद केरल विद, क्यू यू ए डबल आर ई एल, केरल विद यानी किसी व्यक्ति से झगड़ा करना। तो आप इसमें वो सेंटेंस यूज कर सकते हैं स्टोरी का, द फोर सन्स वर ऑलवेज क्यूरलिंग, क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल आई एन जी विद ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर आएगा इसमें। वन अनदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ दो के लिए होता है और यह चार है, फोर सन्स, तो वो ईच अदर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किरल ओवर, क्यू यू ए डबल आर ई एल ओवर, किसी मैटर पर झगड़ा होना, किसी मैटर पर झगड़ा, कोई बात पर झगड़ा हो जाना, किसी मैटर पर झगड़ा होना। ये किस प्रकार से होता है कि इसी का ले लो, द फोर सन्स क्यू ई ए डबल आर ई डबल एल ई डी क्वेल्ड ओवर ओवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर झगड़े थे लास्ट नाइट, कि जो चार भाई थे, चार बेटे थे, वो प्रॉपर्टी पर झगड़े थे क्वेल्ड ओवर लास्ट नाइट, ठीक है। ये हो गया आपके, फिर से कुछ
फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले सेंटेंसेस। फिर देखिए नेक्स्ट, रन आफ्टर का मतलब होता है फॉलो यानी पीछा करना, पीछे दौड़ना यानी पीछा करना या फिर फॉलो करना। जैसे ए लाइन सा दा सा ए डियर, एक शेर ने एक हिरण को देखा एंड रैन आफ्टर इट, और उसके पीछे दौड़ा, उसका पीछा किया। फिर नेक्स्ट है आपके रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। दा एक्स्यूवी या फिर द एक्स्यूवी इन रेड कलर रैन ओवर सम पीपल लास्ट नाइट, कि पिछली रात एक एक्स्यूवी लाल कलर की एक्स्यूवी ने, तो अपन ए भी लगा सकते हैं यदि दो दूसरी बात कर रहे तो, ठीक है। एक्स्यूवी है यानी बड़ी कार है, एक्स्यूवी रेड कलर के अंदर है, उसने कुचल दिया कुछ लोगों को लास्ट नाइट, ठीक है। उसके बाद सिट ऑन, इसका तो पता ही है कि सम स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यानी धरती पर या फिर ग्राउंड पर बैठे हुए थे, ठीक है, या टेबल पर बैठे हुए थे, ग्राउंड पर बैठे हुए थे। उसके बाद सिट एट का मतलब होता है नज़दीक बैठना, तो कहेंगे कि ए लिटिल बॉय इज सिटिंग एट हिज एल्डर सिस्टर इन हर क्लास, कि एक छोटा लड़का बैठा हुआ है अपनी बहन के पास एट हिज सिस्टर इनर क्लास, उसकी क्लास में, ठीक है। उसके बाद थिंक ओवर यानी किसी बात पर पुनर्विचार करना, किसी बात पर पुनर्विचार करना। तो महेश थॉट, क्योंकि वर्ब है अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं, थॉट ओवर द मैटर अगेन दोबारा बिफोर टेकिंग ए फ्रॉम डिसीजन, कि महेश ने
एक बार दोबारा इस मैटर पर सोचा, किसी बात है कोई मामला है उस पर सोचा, इशू पर एक डिसीजन लेने से पहले। फिर है उसके बाद आता है वेटिंग फॉर, इंतजार करना, इंतजार करना किसके लिए आता है, ये पर्सन के लिए। सम मदर्स, कुछ माताएं आर वेटिंग फॉर दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी कुछ माताएं चिल्ड्रन बिफोर द स्कूल, स्कूल के सामने या फिर आउटसाइड द, आउटसाइड द स्कूल गेट, स्कूल गेट के बाहर कुछ माताएं अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। फिर उसके बाद आता है वेटिंग एट, अब देखिए वेटिंग एट यानी स्थान पर इंतजार करना, स्थान पर इंतजार करने के लिए वेटिंग एट आता है, तो इसी को ले लीजिए। सम मदर्स आर वेटिंग एट, कहाँ पर वेटिंग एट द स्कूल लॉबी, स्कूल लॉबी पर, मैं स्कूल लॉबी पर इंतजार कर रही हूँ, स्थान पर ध्यान रखना। तो इधर आपके ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है जो कि मुझे लगता है कि सर्टेन, कुछ निश्चित, सम सर्टेन, कुछ कह सकते हैं कि गिनी चुनी ही मैंने बताई हैं, लेकिन इन गिनी चुनी में से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपके हैं वही नाइन्थ क्लास के हिसाब से ये हैं, नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड से, तो उसको आपको लर्न करना है।